हेलो फ्रेंड्स, यूनिक नॉलेज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एंड आज का हमारा टॉपिक है वो है कंडेंसर। कंडेंसर को हम वन टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आज हम देखने वाले कि कंडेंसर कैसे वर्क करता है, कैसे स्टीम कन्वर्ट होती है अगेन इनटू कंडेंसेड एंड लिक्विड फॉर्म में। सो यहाँ पे एक बड़ा सा कंटेनर है जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे सेल। ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, वो अंदर से पूरा हॉलो होता है। एंड रियल लाइफ में यहाँ पे आपको 2D ड्रॉइंग में वो स्क्वायर दिख रहा है, बट इट इज इन सिलेंडर शेप, ओके। एंड ये जो शेल है उसमें ऐसे ट्यूब बंडल फिट किए गए होते हैं। सो दीज आर द ट्यूब्स जो आपको दिख रही है, ये वाली, ठीक है। ये पूरी ट्यूब्स है जिसमें से फ्लूइड पास होगा इंटरनली, ठीक है। नाउ ये जो शेल है वो अंदर से पूरा हॉलो है। सो यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड को भर दिया है, ठीक है, शेल में कोल्ड फ्लूइड को भर दिया है। एंड ट्यूब में से ये वाले टॉप पोर्शन से, यहाँ पे हम पॉइंटर ले लेते हैं, ठीक है, ट्यूब में यहाँ के टॉप पोर्शन से हॉट स्टीम को इन करते हैं। सो यहाँ से हॉट स्टीम है वो अंदर एंट्री लेगी ट्यूब में, ठीक है। सो यहाँ से इन है और ये स्टीम है वो बढ़ जा रही है इंटरनली, ट्यूब में से पास हो रही है। और आप उसका कलर वेरिएशन देख सकते हो, यहाँ पे डार्क कलर रेड था, यहाँ पे स्टीम कूल हो रही है, ठीक है। सो लाइकवाइज ऐसे स्टीम बढ़ जा रही है, आगे बढ़ती है लाइकवाइज। और आप उसके कलर पे फोकस करिएगा कि जहाँ पे एंट्री हुई थी स्टीम की तब रेड कलर से मेंशन किया है यहाँ पे, लेकिन जब एग्जिट हो रहा है तो क्वाइट लाइट कलर हो गया है उसका। मीन्स स्टीम है वो आगे आगे निकलते निकलते वो ठंडी हो जाती है और उसका कंडेंसेट बन जाता है। और वो कंडेंसेट को हम यूज़ कर सकते हैं अगेन फीड वाटर के हिसाब से, ठीक है। सो ये जो है वो एग्जिट पोर्शन है, यहाँ पे हॉट स्टीम इन एंड यहाँ पे कंडेंसेट आउट है, ठीक है। अभी कैसे ये हीट ट्रांसफर करेगा, सो ये देख लेते हैं। आपको शेल में ब्लिंकिंग नजर आएगा अभी, ठीक है। सो शेल में जो ब्लिंकिंग हो रहा है वो कोल्ड फ्लूइड है फिलहाल, ठीक है। एंड जो टॉप से यहाँ से जो अभी स्टीम एंटर्ड होगी, ठीक है, ये वाले पोर्शन से जो स्टीम एंटर होगी आप देख सकते हो वो भी ब्लिंक कर रही है, ठीक है। मींस ड्यूरिंग दिस टाइम ट्यूब में से जो फ्लूइड पास हो रहा है, मींस स्टीम है यहाँ पे, सो ट्यूब में से जो स्टीम पास हो रही है वो हीट ट्रांसफर कर रही है सेल के कोल्ड फ्लूइड से। ट्यूब की जो स्टीम है वो सेल के कोल्ड फ्लूइड से हीट ट्रांसफर कर रही है। यानी कि क्या होगा कि जो स्टीम है वो अपनी हीट लॉस करेगी ये सेल के फ्लूइड में, ठीक है। ये जो सेल का फ्लूइड है वहां पे ट्यूब की जो स्टीम है वो अपनी हीट रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। तो स्टीम है ऑब्वियसली कूल हो जाएगी और जब यहां से कंडेंसेट बाहर निकलेगा तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। एंड ये जो सेल की जो फ्लूइड है यहाँ पे साइड पे पूरी जो यहाँ पे पैसेज में दिख रही है सब जगह पे जो ब्लिंकिंग कर रही है येलो कलर जैसे, ठीक है। सो वो लिटिल बिट हॉट हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह से स्टीम है वो अपनी हीट रिजेक्ट कर रही है शेल के जो फ्लूइड है उसमें, ठीक है। और इस तरह से हीट ट्रांसफर होगा सेल एंड ट्यूब के बीच में, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पता चल गया है कैसे सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर वर्क करता है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब हिट द बेल आइकॉन if you want such a kind of technical, non-technical and other videos. Thank you very much. Stay safe, take care, stay home. Thank you.